दर 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 ये जामुन की बारिश क्या हुआ रोना ए सर पे भाग तो हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। आप भी हम लोग उठे नींद में से क्योंकि जा रहे थोड़ा खेत पे क्योंकि वहाँ पे जामुन का झाड़ है और जामुन बहुत आए। तो मैं रौनक और मम्मी पापा आगे गए तो अभी हम लोग पीछे से जा रहे जामुन निकालने वाले। तो कैसे निकालते हैं क्या क्या करना पड़ता है जामुन निकालने के लिए वो मैं आप सबको दिखाता हूँ। वीडियो ऐसे कंटिन्यू करो। सिस्टर लोग घोड़े तान के सो गए। यह हमारा रॉकी भी आलसी रूबी रॉकी। यह बाहर का व्यू है हमारे यहाँ का खुला अपना हुआ है बंड्या। सुबह का व्यू देख सकते हो आप कितना मस्त लग रहा है। यहाँ पे पहाड़ है गांव के बाजू में एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे तीनों साइड। और अरे आपने खेत है शायद आप लोगों को पता ही रहेगा। तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे जो गांव साइड में हर किसी को पता ही रहेगा जामुन आम और करवंद भी रहते। तो मम्मी है ना वो मतलब क्या करती है वो जामुन है ना वो अभी निकालेंगे हम लोग उसके बाद मम्मी लेके जाती है। तो और कुछ दोस्तों को देना भी है। मम्मी बोल रही थी ये ख़त्म होने से पहले जो भी दोस्तों को देना है तो मतलब घर जाके दे के आओ क्योंकि हर एक दोस्त बिजी हो गए अपने अपने लाइफ में। बट हमारी मम्मी सबको याद करती कैसे घर आते जाते। तो इसके लिए हम लोग जामुन निकालने जा रहे हैं। तो रौनक उनके लिए सिर्फ याद रखना जिस चीज के घर पे आऊंगा उनसे वसूलूंगा मैं। बस सुबह सुबह उठाऊ तुम्हारे लिए क्या अभी अभी टाइम क्या हुआ है सुबह का ना 6 बज रहा है। तो गाइस मैं अभी यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। अपने खेत में आ चुके हैं हम लोग। कुछ भी नहीं जैसे उठे वैसे निकले हम लोग जैसे आँख खुली वैसे निकले मुंह भी नहीं धोए हम लोगों ने। तो ये पूरा ये यहाँ पे अपने सब गांव के घर है। मैं बैक कैमरे से आपको दिखाता हूँ। ये सुबह नींद में से उठ के मार रहे नहीं क्या। और ये आप सुबह का सूरज देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है। और ये आप देख सकते हो मैं दिखाता हूँ आपको जूम करके। ये मम्मी है मम्मी को देख सकते हो आप। और पप्पा ऊपर पेड़ पे चढ़े ये देखो कहाँ पे। अरे सॉरी ये देखो पप्पा यहाँ पे जामुन निकाल रहे। और ये अपना आम का पेड़ है ये वाला। तो ये आम का पेड़ बहुत आता है बट सीन ऐसा हुआ है इस टाइम आया ही नहीं क्या पता क्यों किसकी नज़र लग गई। तो चलो आगे बढ़ते। तो गाइस आपने देखा ही रहेगा यहाँ से व्यू कितना मस्त दिख रहा था। और पप्पा है वो ऊपर से जामुन निकाल रहे। और दूसरा सीन ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा तो हाथ से निकाल नहीं सकते इसके लिए ये प्लास्टिक का एक बड़ा सा कपड़ा रहता है। तो वो चारों साइड से मैं रौनक और मम्मी पकड़ेंगे। तो अभी फिलहाल तीनों ये दीदी ये लोग घर पे मस्त सोए आज रेस्ट कर रहे तो उनको उठाया नहीं। तो अभी हम लोग ये पकड़ेंगे ऊपर से पप्पा पूरे जो जामुन की फंदी है उसको क्या हिलाएंगे। जामुन गिर रहे पप्पा अभी ऊपर से पूरा ये एक एक फंदी रहेगी उसको जोर जोर से हिलाएंगे। तो अभी देखते ये देखो ऐसा मम्मी ने पकड़ा है अभी रौनक यहाँ पे पकड़ेगा। रौनक पकड़ हाँ। और इधर मैं पकड़ेगा। तो मैं कैमरा रखता हूँ एक जगह पे क्योंकि कोई पकड़ने वाला है नहीं। तो मैं आपको दिखा था उनके गाइस मैंने अभी कैमरा सेट किया है। पूरे जामुन इस पे गिरेंगे ना तो कैसे टूटेंगे नहीं इसके वजह से ये करना जरूरी है। तो वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू करो। तो मम्मी वो अभी जुगाड़ कर रही है वहाँ पे बांध रही है एक पेड़ के फंदी। Thank you.
ये सुबह का वाइब रहता है। ये तो ये देखो अभी कैसे सर पे गिरता है तो फिर लगता भी है जामुन। रौनक कैसा लगा? बात सही है, बैठ गए इधर दो बार। ये देख कितना जामुन जमा हुआ है। हे रॉकी जामुन पिघला दाड़ा। या ऐसा सीन रहता है हमारे इधर। ये है जामुन की बारिश, जामुन निकालने का। गाइस ज्यादा हो गए तो पकड़ने के लिए दिक्कत हो रही है। धर धर धर। अरे ज्यादा उसका वजन ज्यादा हो गया, नीचे गिर गई ज्यादा, क्योंकि कोई एक जन हैवी नहीं एडजस्ट पकड़ने के लिए। तो आप लोग में से कोई आना चाहते हो तो आ जाओ। तो ये देखो ये पूरा जामुन का बारिश हो रहा था। रौनक से पूछते हैं उसको कैसा लग रहा है। इतना अच्छा बारिश में पहले कभी देखा नहीं मालूम है, इसमें पहले कभी देखा नहीं मालूम है। ऐसा बारिश आ रहा है कि सिर में बैठ रहा है डायरेक्ट, ऐसा लग रहा है बर्फ के गोले रहते ना वो लगते है, उससे भी खतरनाक लगते है भाई। तो अभी पूरे जमा किए और भी जमा करना बाकी है, क्योंकि बहुत जो दोस्त लोग थे तो उन लोग घर पे आते जाते तो मम्मी बोल रही थी कि उनके घर पे लेके जाओ, क्योंकि बाद में वो खाने को मिलेंगे नहीं उनको। आम भी है अपने घर पे, पर अभी घर जाके देखना पड़ेगा कैसा सीन है। ये देखो गाइस कितने जामुन निकाले, इधर भी है, बाकी यहाँ पर भी है। तो गाइस ये जो हाथ से निकला हुआ जामुन नीचे लेके आ नहीं सकते बार बार, तो उसका निंजा टेक्निक आप देख सकते हो। या ऐसा सीन रहता है कि नीचे बार बार आप उतर नहीं सकते, तो इसके वजह से ये रस्सी बांध देते एक कैरी बैग को, तो उससे फिर नीचे निकाल लेते। तो फिर ये हाथ से निकला हुआ जामुन ऐसे निकाल के सीधा टोकरी में, सीधा टोकरी में। क्या रॉकी है, बट रॉकी बस देख रहा है। पकड़ो आयु खेत क्या हो रहा ना ना क्या क्या बिगड़ा था मधुमक्खी, क्या बिगड़ा था मधुमक्खी। ए सर पे भाग। देखा किधर काटा, शायद मधुमक्खी का घर है अंदर ने क्या मारा ने उसको, ऐसे झटका उसको मधुमक्खी को। हाँ इधर काटी है भाई। नहीं नहीं छोड़। मिट्टी लगाना पड़ता है भाई। क्या कर रहा है, मिट्टी लगा रहा है? तो वही लगाना पड़ता है। देखो गाइस रौनक का ये इलाज यही है कि मधुमक्खी काटने के बाद उसको मिट्टी लगाते हैं, पर शायद मैंने सुना है गिल्ली मिट्टी लगाते भाई, तो पसीना है ना भाई, गिल्ले हो जाएगा। तो जिसको भी मधुमक्खी काटेगी गाइस ऐसे मिट्टी गिल्ली करके वहाँ पे जहाँ पे काटी उधर लगाओ। ये निंजा टेक्निक है जामुन एक जगह जमा करके टोकरी में डालने की, पर टोकरी लाया नहीं, सब उनके काप पे दीदी के सब जमा कर रहे। मेरे वो ऐसे मक्खी उड़ रहे भाई। हाँ कोट है। हाँ तो गाइस पप्पा बोल रहे ऊपर है छत्ता है मधुमक्खी का, शायद यहाँ पे किधर तो है, इस साइड में है, इस साइड में, तो इसलिए सही बोला उसको काट रही है। सूजन बारीक बारीक देख रहा है। रुको ये देखो सूज गया। सूजन आ गई भाई को अभी डंक लगा उसका। दिखा दिखा दिख रहा है, दिख रहा है। ये देखो ये पूरी सूजन दिख रही है उसके फेस पे, ये देखो दिख रहा है पूरा। बोनस मिल गया बोनस। तो गाइस देखा हमारे गांव साइड कैसे जामुन निकालते हैं। बाकी जामुन मम्मी लेके जाएंगी बेचने के लिए, क्योंकि मम्मी ये जामुन करवन ऐसा लेके जाती है बेचने के लिए, पहा और निकाल रहे ऊपर से। जिसको भी गाइस जामुन खाना है गाँव साइड का तो मुझे आप बिंदास मैसेज करो और आ जाओ, तो वीडियो ऐसे ही कंटिन्यू करो, आगे भी देखने मिलेगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं आज कहाँ पे तो वो मैं बताऊंगा बाद में।
तो गाइस हमारा जामुन निकाल के हो गया नाचो। मधुमक्खी ने काट लिया वो अलग बात। और गाइस आपने देखा ही रहेगा कितना मतलब रिस्की काम है जामुन निकालने का। और ये जामुन फिर अभी मम्मी लेके जाएगी बेचने के लिए, क्योंकि थोड़े से पैसे मिलते तो घर पे थोड़ा चलता है। और मैं भी मेहनत कर रहा हूँ और आप लोगों का सबका प्यार है मेरे साथ, तो मुझे कुछ टेंशन नहीं है। तो हम लोग अभी जा रहे घर, क्योंकि हमें जाना है नाला सोपारा, क्योंकि मैं बाल कलर कर रहा हूँ, क्योंकि एक दोस्त का सैलून है तो उसने बुलाया है, तो मैं वहाँ पे जाऊंगा, वो आपको देखने मिलेगा। तो आप नेक्स्ट वीडियो पक्का देखना और कैसे हेयर कलर लगे वो हमें बताना, और किसको किसको जामुन अच्छे लगते खाने के लिए वो भी कमेंट करना। और जिसको भी आना है अपने गांव आ सकते हो बिंदास, मुझे एक बार मैसेज करो। आप इंस्टा पे भी इट्स पिनील 03 सर्च कर सकते हो और वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो। और रौनक की भी आईडी है। रौनक आपकी आईडी क्या है? ओ भाई मारो, मुझे मारो, मारो नहीं, मुझे मारो, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। शी कितना गंदा है ये, हाँ? ऐसा कोई पार देता है? पावर दिखाना पड़ता है भाई। इसने जो कारनामा किया है उसके ऊपर आप क्या बता सकते हो भाई, मुझे कमेंट्स करके बताना। वैसे अभी इसका सुन के तेरे भाई को भी आ रही है। सुबह का पावर निकल रहा है बोलता है। तो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट पक्का करना कि वीडियो कैसा लगा। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आ रहा बताना कलर कैसा लगा वो।